कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जब वो फास्ट खोलते हैं, चाहे वो 10 आवर्स का, चाहे वो 24 आवर्स का, तो जब वो खोलते हैं तो वो कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, अपने जानने वालों को भी देखा है कि वो फास्ट खोल रहे हैं तो बाहर का खा रहे हैं कि 12-14 घंटे अब रह लिया हूँ मैं, 24 घंटे हो गए अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। या फिर घर पर भी होते हैं, अब जैसे घर हाउस होल्ड में जो लोग फास्ट करते हैं तो वो लोग एक भारी फूड से वो व्रत खोलते हैं अपना, तो इज इट राइट? अगर प्रोटीन के लिए फास्टिंग कर रहा है तो उसका भी लाइक अगर वेट लूज करने के लिए कर रहा है तो क्या एक दिन, जैसे लोग क्या करते हैं कि वीक में एक वन डे कर लेते हैं, कुछ लोग करते हैं कि वो एक महीने के लिए कर रहे हैं, एक वीक के लिए कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा कुछ फास्ट कर रहे हैं टू लूज वेट तो ये कितने टाइम तक रखना चाहिए और क्या किस मॉडरेशन में होना चाहिए? So my belief is, and this is what I practice with my clients also, my belief is that intermittent fasting or fasting, I just feel that fasting is a normal word, I'm used to it for these things. So modern tarika hai usko dekhne ka. Fasting is something which all of us have to do on a daily basis. Aisa nahi hai ki aaj aap 4 din 5 din aap raat ko bhi khana kha rahe ho, but on 2 days you suddenly realize ki okay, I've abused my body too much. Ab 2 din so called detox karte hain, ye shabd kitna famous hai aajkal, detox karte hain. आप हंस रहे हो, मे भी आपने भी किया होगा, हम सब क्लाइंट्स आते हैं, नो आई हैव हर्ड दिस अ लॉट. ऐसा नहीं है, योर बॉडी रीसेट्स इटसेल्फ एवरी 24 आवर्स. हम डेली खाना भी खाते हैं, सिमिलरली डेली हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ डेली रिकवरी यानी कि फास्टिंग भी करनी है, हमें डेली एक्टिव भी होना है. सो जस्ट लाइक फूड कंजम्पशन वर्क्स, जस्ट लाइक डेली बीइंग एक्टिव डेली वर्क्स, जस्ट लाइक स्लीपिंग डेली वर्क्स, फास्टिंग ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड डेली. ऐसा नहीं आपके पिक एंड चूज कर सकते हो. हाँ, हो सकता है उस दिन आप कर लें वीक में वंस तो यू माइट फील गुड, बट जब तक आप किसी चीज को सस्टेनेबल नहीं बनाते, प्रैक्टिकली नहीं देखते, नहीं हो सकता. 5 डेज खाया, 2 दिन फास्टिंग करा. इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स में आप देखेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट है, यू ईट फॉर 5 डेज एंड यू डोंट ईट फॉर 2 डेज. बट 2 डेज में तो आपको नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा, आपकी बॉडी को नरिशमेंट तो चाहिए ना. सो यू विल एक्सपीरियंस गुड एंड बैड. गुड दैट यू विल फील लाइटर बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग रेस्ट, बट द बैड इज डाउन द लाइन आप ऐसे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा. ओके, लेट अस बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. ओके, सो इसको हमें अपनी लाइफस्टाइल में ही ऐड कर देना चाहिए, मतलब ये एक डिसिप्लिन ऐड हो जाएगा. बिल्कुल, डिसिप्लिन का पार्ट है. टाइमली आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे. यस सर, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स आपने ऑलरेडी बताया कि मेन पर्पस तो फास्टिंग का यही रहता है टू लूज वेट, बाकी अगर हम बात करें तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे? लूज वेट इज व्हाट पीपल थिंक इट डज, बट मैं अगर प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑटोफेजी. ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं सारे व्यूअर्स. ऑटोफेजी में क्या होता है, जब आप बॉडी को ब्रेक देते हैं, रेस्ट देते हैं, जो फास्टिंग का पीरियड है, अब वो जो भी है 12 घंटे 14 घंटे डजंट मैटर, उस पीरियड में क्या होता है, बॉडी क्योंकि डिप्राइव्ड होती है ना, इट यूटिलाइजेस जो भी रिसोर्सेज आपके बॉडी में है टू गिव यू एनर्जी. 12 घंटे आप कैसे फंक्शन कर रहे हो, अगर मैंने कुछ रात को 8 बजे खाया था, हाउ एम आई एबल टू स्टिल फंक्शन, बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं जो वो रीयूटिलाइज कर रही है, रिसाइकल कर रही है. डेड सेल्स होते हैं जो उसमें डेड, जैसे क्या होता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी 100% गाड़ी खराब नहीं होती है, हो सकता है इंजन डैमेज हुआ, बट हो सकता है मैं उसके टायर यूज कर पाऊँ, हो सकता है मैं उसके ब्रेक पैड यूज कर पाऊँ, समझ रहे हो, सकता है उसकी सीट कवर्स अच्छी कंडीशन में, आई कैन यूज दोस, सो आई एम रीयूजिंग रीसाइकल. सिमिलरली द बॉडी विल रीयूज रीसाइकल पार्ट्स ऑफ द सेल. हमारा बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का, सेल. सेल से फिर हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनता है, तो हर सेल में ऐसे पार्ट रह जाते हैं जो यूज हो सकते हैं एनर्जी के लिए. सेल के अंदर फैट हो सकता है, फैट यूज हो सकता है, सेल के अंदर प्रोटीन बचा हो सकता है, मसल बिल्डिंग के लिए यूज हो सकता है. तो आप जब अच्छे से रेस्ट हो गए ना, आप बॉडी को स्टार्ट कर रहे हो, आप बॉडी के लिए बहुत फायदा कर रहे हो, क्योंकि उस प्रोसेस में जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, यू आर री यूटिलाइजिंग ऑल दोज लॉस्ट एलिमेंट्स इन सो कॉल्ड गंदगी जो हम बोलते हैं ना, वो रिसाइकल रीयूज हो जाती है और एक्चुअली निकल जाती है सिस्टम से. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो आप फास्टिंग का डिस्कशन करेंगे भी एक्सपर्ट से तो मे बी इस पर टचअप ऑन नहीं करेंगे. अब इस यू गेट टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑटोफेजी जो इनिशिएट हो सकता है सिर्फ 24 घंटे बाद हो या 48 आवर्स बाद हो, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन बनाओगे प्रॉपर, तो 12 घंटे वाला, 14 घंटे वाला, तो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन भी मिलेगा, ठीक है, रिकवरी भी होगी, फास्टिंग भी होगी, बॉडी के डेड सेल्स भी यूटिलाइज होंगे, सब होगा अच्छे से. और
बॉडी को पता रहेगा कि कब क्या करना है। बॉडी आपको हमेशा सिग्नल्स देती है। छोटा बच्चा अगर है आपके घर में, आप देखोगे उसको पता है हाउ मच ही और शी वांट्स टू ईट, व्हेन दे वांट टू प्ले, व्हेन दे वांट टू स्लीप, व्हेन दे वांट टू डू एवरीथिंग, क्योंकि उनको दुनिया ने अभी कंडीशनिंग नहीं करी है। उनको ये नहीं बोला है कि नहीं आपको हमेशा राइट ही जाना है, वो हो सकता है लेफ्ट भी चले जाए गलती से, एंड इट्स ओके। उनको नहीं बोला कि आपको झूठ बोलना है, यू हैव टू लाई, दे ओनली नो हाउ टू टेल द ट्रूथ फॉर एग्जांपल, ठीक है। कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग दैट वी हियर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन द इंटरनेट एंड द मीडिया इज वेरी डिसेप्टिव, इट इज आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग, इट इज वेरी डिसेप्टिव, इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। यू मस्ट लिमिट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर मेकिंग, अलाउइंग योरसेल्फ टू अब्सॉर्ब एंड रीड एंड वॉच। सब कुछ रैंडमली नहीं देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत कह सकते हैं कि बहुत ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आज के टाइम पर सभी लोगों पर आता है, क्योंकि पता नहीं है कि क्या कंज्यूम करना है और जो भी मिल रहा है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से चाहे वो फूड हो, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, एवरीथिंग, एंड दैट लीड्स टू नेगेटिविटी। सर हम अगर पोटेंशियल रिस्क की बात करें, क्योंकि जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों को अजीब सा, कुछ लोग कहते हैं कि घबराहट हो रही है, तो वो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या वो लाइक एक सीरियस रिस्क है, उन पर बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए या फिर टाइम के साथ नॉर्मल हो जाते हैं? सो ऑनेस्टली ये वाले रिस्क आते हैं अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशंस हैं, जैसे कि इफ यू आर डायबिटिक फॉर एग्जांपल और यू आर हाइपरटेंसिव, आई डोंट थिंक एनी अदर कंडीशन विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आइदर वी वुड बी ऑन सम काइंड ऑफ मेडिकेशन टू रिड्यूस योर बीपी और टू रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। If you're not on any medication, then आप काफी close monitoring कर रहे हो, उस केस में तो फिर भी ठीक है, okay? Because fasting will help. Fasting will help lower your sugar levels. Fasting will help, I would say not lower, but optimize your blood pressure level. But अगर आप medication पर हो, वो medication इसी basis पे दी गई, क्योंकि कुछ books में लिखा हुआ है doctors के कि ऐसी ऐसी condition में आपको देना है, और suddenly आप अपने आप से कुछ changes अगर कर लोगे, तो you might suffer a case जिसमें आपका levels low चले जाए। उस केस में यू शुड बी वेरी केयरफुल, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट विद एन एक्सपर्ट अगर आपको कुछ करना है। दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी मिसलीडिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज वेरी जेनेरिक। जैसे यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, सो इन दिस वीडियो इफ द व्यूअर सीज इट, उनको पता लगे अच्छा आई एम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, आई नीड टू बी केयरफुल। व्हाट इफ यू डिड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन, इवन द डायबिटिक और द हाइपरटेंसिव पर्सन वुड हैव थॉट यू कैन डू दिस, मैं कर लेता हूँ, मेरा वजन भी घट जाएगा, मेरा यू नो वेट भी, सॉरी शुगर लेवल भी डाउन आ जाएंगे। But no, word of caution, always let the expert understand your body and then give you advice accordingly. Sir, जैसे जो intermittent fasting start कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि अगर किसी को problem है, अगर किसी को hypertension है या फिर diabetes है, तो उनको ख्याल रखना पड़ेगा। But अगर कोई एक healthy, fit इंसान इसको करना सोच रहा है, तो क्या कुछ strategies हैं, कुछ ऐसा tips हैं जो उसको अपने mind में रखना चाहिए? Definitely कर सकते हैं, so for a healthy individual, and again, मैंने आपको अपने लास्ट वाले डिस्कशन में बताया था, हेल्दी बहुत ही एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, उसका डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है लोगों के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हेल्दी उन लोगों के लिए वो भी हेल्दी है कि आज मैंने इतना सारा जंक फूड खा लिया और कल एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो हेल्दी का डेफिनेशन बहुत अलग है। अगर एक इंडिविजुअल को सब अच्छा फील होता है, कोई सिम्टम्स नहीं, उनके ब्लड रिपोर्ट्स पर अच्छे नंबर आते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट स्मॉल। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप अभी करंटली कितना फास्टिंग कर रहे हो। अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है कि आप रात में जंकिंग कर रहे हो फिर सुबह खाना शुरू कर देते हैं ऑल, यू डेफिनेटली नीड टू रीअसेस आप क्या कर रहे हो, वरना स्टार्ट विद 10 आवर्स, धीरे धीरे उसको आप 11 करिए, 12 करिए, धीरे धीरे, ठीक है। एकदम से जंप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हम सेकेंड ग्रेड से सीधा फिफ्थ नहीं जाते ना, सेकेंड से थर्ड जाएंगे, फिर फोर्थ जाएंगे। एवरीथिंग इज अबाउट मेकिंग प्रोग्रेस। ग्राफ को हमेशा हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ते देखना चाहिए। अगर किसी का फॉर सम रीजन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, बहुत लकी है, बड़ा अच्छा प्रमोशन हो गया उनका, या उनका बिजनेस चल गया, या जो भी है उनको हेल्थ में कुछ बेनिफिट मिल गया, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग साइंस के हिसाब से आप चलेंगे तो हमेशा बॉडी को अडेप्ट होने के लिए समय दीजिए। अब लोग अपना ये बेस कैंप एवरेज भी जाते हैं तो वो हफ्ता 10 दिन पहले पहुंच जाते हैं अक्लेमेटाइज करने के लिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है, इट इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कुछ। ट्रू। सर मैंने देखा है कि जैसे फास्टिंग लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जब वो फास्ट खोलते हैं, चाहे वो 10 आवर्स का, चाहे वो 24 आवर्स का,
तो जब वो खोलते हैं तो वो कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, अपने जानने वालों को भी देखा है कि वो फास्ट खोल रहे हैं तो बाहर का खा रहे हैं कि 12-14 घंटे अब घर ही आऊँ मैं, 24 घंटे हो गए अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। या फिर घर पर भी होते हैं, अब जैसे घर हाउस होल्ड में जो लोग फास्ट करते हैं तो वो लोग एक भारी फूड से वो व्रत खोलते हैं अपना, तो इज इट राइट, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं या फिर हमें क्या खाकर फास्ट खोलना चाहिए? दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, बिकॉज यहाँ वी आर डूइंग फास्टिंग कि 12 घंटे या 24 घंटे जो भी है बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, रिकवरी हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है, मेरा गट का बैक्टीरिया लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाइनली मुझे ब्रेक मिला। एंड सडनली अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने सैटरडे का फास्ट किया, संडे को मॉर्निंग करके छोले भटूरे खा लिए, सो वो जो आपका डैमेज है ना उसका ग्राफ ऐसे शूट करेगा सर। इन्फ्लेमेटरी फूड है बेसिकली, दिस इज वेर आई विल कैटेगराइज फूड एज नॉट heavy food or light food or you know all those things. For us, for me especially as a practitioner, it's about anti-inflammatory food versus inflammatory food. जो भी चीज body में inflammation बढ़ा रही है वो आपको damage कर रही है, वो आपके levels भी बढ़ाएगी, वो आपकी aging ज़्यादा जल्दी करेगी, आपकी हड्डियों को कमजोर करेगी, ठीक है? तो break जो भी कर रहे हो आप, ठीक है? Obviously उसका भी pattern होता है, ऐसे नहीं कि sugary food खा लिया, वो हम guide करते हैं individual को based on you know their goals and their problems. But try to always break the fast with some anti-inflammatory food. Fresh food, home food खा लीजिए, ठीक है? या fruit खा लीजिए, nuts खा लीजिए. But if you just fast and then you go all out again suddenly, you're not doing yourself a favor. आप ये समझिए then that your fast has gone for a waste or for a toss, sorry. तो और भी ज़्यादा harmful हो सकता है, ऐसे इसको हम देख सकते हैं. और harmful तो नहीं होगा, at least कुछ तो अच्छा किया last day कि we fasted. But then the ideology and the जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल वो गलत है, मतलब कि वो सही तरीके से नहीं सोच रहे। सो एक वो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आज मैंने जंक ज्यादा खा लिया कल एक्सरसाइज कर लेते हैं ज्यादा। सिमिलरली ये हो गया कि आज फास्ट कर लिया, लेट अस ईट समथिंग अनहेल्दी और यू नो सम जंक फूड टुमारो, बिकॉज जंक फूड में इतने एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, देखिए उससे ऑक्सीडाइज ऑयल यूज करते हैं, लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट। सिंपली तो अगर फास्ट खोल रहे हैं तो होम फूड से या फिर फ्रूट से खोल सकते हैं। अब मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कुछ सेवरी फूड से फास्ट थोड़े हमेशा अच्छा रहता है। सेवरी मींस समथिंग दैट इज नॉट स्वीट, ओके, सॉल्टी, उससे शुगर लेवल एकदम सडनली स्पाइक नहीं करती, तो बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है सर। जैसे आपने बताया कि अपने लाइफ स्टाइल में इसको ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है फास्टिंग को, तो आपने बताया कि अगर आप फास्ट फूड रहे हैं तो कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ या फिर जो भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे हम फास्ट रख रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग हम कर रहे हैं एंड हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में करना स्टार्ट कर दिया, हम उसको मंथली बेसिस पर कर रहे हैं या फिर हमको हो गया अभी उसको प्रैक्टिस करते करते 4-5 दिन हो गए, तो जब हम वो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो तब हमको किस तरह का खाना कंज्यूम करना चाहिए? या फिर जैसे लोग कहते हैं कि अभी डाइट पर है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि फ्रूट्स ही खाना है, अच्छी चीजें खानी है, बट कुछ लोग ये करते हैं कि ओके 8 आवर्स कुछ भी खाया एंड 12 आवर्स फास्टिंग कर ली। आई रियली वांट टू नो दिस बैलेंस।